हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में मैं आपकी होस्ट प्रांश राठौर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर चुके हैं। आपको बता दें 25 मार्च के दिन लखनऊ के एकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ ने शपथ ग्रहण की और जहां पर उनके नए मंत्रिमंडल का गठन किया गया। योगी सरकार 2.0 में कई नेताओं को शामिल किया गया। 18 कैबिनेट मंत्री ने शपथ ग्रहण की तो वहीं 14 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्रियों ने, वहीं दूसरी ही तरफ 20 राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की, लेकिन इस नए मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। इस नए मंत्रिमंडल में पद नहीं मिल पाया मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा वेष्ट यादव को। समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई अपर्णा वेष्ट यादव, भले ही उन्हें कोई भी पद नहीं मिला है, समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा वेष्ट यादव सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और सोशल मीडिया के जरिए जहां एक तरफ वह योगी सरकार के फैसलों को स्वीकार कर रही हैं, वहीं दूसरी ही तरफ उन्हें कई शानदार तोहफे भी मिल रहे हैं। आपको बता दें अब अपर्णा वेष्ट यादव को कई शानदार तोहफे मिल चुके हैं और ये तोहफे उन्हें मिले हैं अपने समर्थकों की तरफ से। आप देख रहे होंगे हमारी स्क्रीन पर कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा वेष्ट यादव को किस तरीके से बेहद शानदार अंदाज में उन्हें सम्मानित किया गया है। अपर्णा वेष्ट यादव को उनके समर्थकों ने यहां पर कई शानदार तोहफे दिए हैं, उनका स्वागत किया है बेहद शानदार अंदाज में, उन्हें माला पहनाती हुई दिखाई दी हैं कुछ महिलाएं, तो वहीं उन्हें हाथ में बुके देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं उनके समर्थक। यहाँ पर इन तमाम तस्वीरों को अपर्णा वेष्ट यादव ने शेयर करते हुए लिखा है, समर्थकों से मिलकर उनको आभार प्रकट किया और इस तरीके से अपर्णा वेष्ट यादव को यहाँ पर तमाम तोहफे मिल चुके हैं। आप देख रहे होंगे इस रिपोर्ट में कि अपर्णा वेष्ट यादव को एक बेहद खूबसूरत सी तस्वीर भी मिली है और इस तस्वीर को वह हाथ में थामे हुए नजर आ रही हैं। अपर्णा वेष्ट यादव ने यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, बीजेपी पार्टी और बीजेपी फॉर यूपी को टैग किया है और अपनी खुशी को वह जाहिर करती हुई देखी गई हैं। अपर्णा वेष्ट यादव को जिस तरीके से सम्मान मिल रहा है, भले ही उन्हें कोई भी पद नहीं मिला है, लेकिन उन्हें सम्मान काफी मिल रहा है, लोग यहां पर अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं। अपर्णा वेष्ट यादव लगातार योगी सरकार के अहम फैसलों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।